नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ओडिशा में स्थित माँ सरला मंदिर के बारे में। माँ सरला मंदिर ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ सरला इस मंदिर की स्थायी देवता हैं। उन्हें वाक देवी, ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर झंकट सरला मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। वर्तमान मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और मणिजंगा के राजा द्वारा बनवाया गया था। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि मूल मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में भूमाकारा के दौरान किया गया था। में हिंदू शासन के अंत तक देवी माँ सरला की पूजा इस मंदिर में की गई थी। 1568 में बंगाली सुल्तान सुलेमान करनी की मुस्लिम सेना के सुप्रीम कमांडर काला पहाड़ा ने मूल तीर्थ स्थल पर धावा बोल दिया और शक्ति मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। 100 साल बाद मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पुराना मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। एक किंवदंती में शक्ति की मूल स्रोत सती और भगवान शिव की पत्नी ने खुद को चिमनी में बलिदान कर दिया, क्योंकि वह अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दैख और पछतावे से बाहर निकलकर भगवान शिव अपनी लाश को अपने कंधे पर पकड़े हुए लगातार घूमने लगे। यह डर होने पर कि शिव का क्रोध मानव जाति के लिए हानिकारक हो सकता है, भगवान विष्णु ने अपने महान शस्त्र चक्र सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उनके शरीर के टुकड़े कर दिए और उनके शरीर के टुकड़े 51 स्थानों पर बिखेर दिए। प्रत्येक स्थान के आसपास जहां उसके शरीर का एक हिस्सा उतरा था, वह देवी माँ की पूजा का एक पवित्र स्थान बन गया। किंवदंती के अनुसार सती की जीभ झंकदा में गिरी थी। एक अन्य कथा में देवी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के छठे अवतार ब्राह्मण योद्धा परशुराम से हुई। अपनी यात्रा के दौरान परशुराम ने चंद्रभागा नदी में तैरकर एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया। ध्यान करते समय वह एक ऐसी शक्ति से अवगत हो गया जो आत्म अभिव्यक्ति के लिए छिपी हुई थी और वांछित थी। उन्होंने पृथ्वी के नीचे से एक चमकता हुआ पत्थर पार्श्वमणि शिला एक शानदार बेसाल के रूप में बरामद किया और अपने तीर से देवी की दिव्य छवि को उकेरा। देवी का नाम शारदा था, चूंकि परशुराम के बाण सारा से उनकी छवि उकेरी गई थी। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में देवी की 3 मूर्तियां हैं। मुख्य मूर्ति पत्थर से उकेरी गई देवी की 8 भुजाओं वाली एक आकृति है, जिसमें उनके दाहिने पैर पर एक शेर है। दुर्गा की क्लासिक मुद्रा में राक्षस महिषासुर का विनाश करती है। वह अपने दाहिने हाथों में एक तलवार, त्रिशूल, पांडुलिपि और लुटेया वीणा रखती है और उसके बाईं ओर एक डिस्क, धनुष, घंटी और राक्षस का सिर होता है। दूसरी मूर्ति 4 सशस्त्र है, एक शंख और एक चक्रम धारण करती है और उपहार देने और निर्भयता के इशारे करती है। तीसरी मूर्ति 2 सशस्त्र है जो 8 कीमती धातुओं अष्टधातु से बनी है। मूर्तियों को अलग अलग समारोहों के लिए मंदिर से बाहर ले जाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण समारोह अभी भी पुराने मंदिर में देखे जाते हैं। शारला की जुलूस मूर्ति, चलंती विग्रह, प्राचीन अनुष्ठानों को मनाने के लिए एक वर्ष में 7 बार मंदिर से पुराने मंदिर में भव्य पालकी में लाई जाती है। देवता की मूर्ति को औपचारिक रूप से पुराने सिंहासन पर स्थापित किया जाता है जहां वह सदियों से पूजे जाते थे। दशहरा शारदीय नवरात्रि के त्योहार के दौरान अंतिम अनुष्ठान के रूप में एक पंचायती पूजा में पुराने मंदिर में एक नर बकरी की बलि दी जाती थी। मंदिर में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें परबना, शारदीय उत्सव, पना संक्रांति, बोल पूर्णिमा और चंदन यात्रा शामिल हैं।
पना संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जब भक्त देवी पर अपना व्रत पूरा करने के लिए अग्नि पर नृत्य करते हैं। बोल पूर्णिमा का त्योहार भी धूमधाम और समारोह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर देवी सरला को अन्य देवताओं के साथ पूजा जाता है। यह दर्शाता है कि माँ सरला वैदिक, तांत्रिक और वैष्णव परंपराओं के कुछ हिस्सों का एक सम्मिलन है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।